एरिया में एक बार फिर भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। एक महीने में दूसरी बार आई बाढ़ के बाद वहां के कई इलाकों में आपदा विभाग ने कई टीमों को रवाना किया, क्योंकि दोबारा आई बाढ़ वहां के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आई, जिसकी चपेट में आने से कई रिहायशी इलाके फिर पानी में डूब गए। आसमान से देखने पर वहां के कई मकानों की केवल छतें ही नजर आईं, न तो सड़कें दिखीं और न ही लोगों के खेत या वहां के मैदान नजर आए। हर जगह पानी ही पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि बचाव दल को नावों की मदद लेनी पड़ी। एक इलाके में नदी का किनारा कटने से पानी रिहायशी इलाकों में घुसता दिखा। बिजली का एक खंभा तो पानी के तेज बहाव में गिर पड़ा। एक महीने में दूसरी बार बाढ़ आने के बाद वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें हर तरह की मदद का भरोसा दिया। बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने पीने की चीजें और दूसरा सामान हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया। पटना में कूड़े के एक ढेर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। ये आग सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले डाक बंगला चौराहे के पास लगी, जहां कूड़े का एक बड़ा ढेर भीषण आग की चपेट में आ गया और तेजी से जलने लगा। आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही थी और उससे उठने वाले धुएं की वजह से वहां का आसमान काला नजर आने लगा। दमकल के फोन करवाओ भाई, दमकल के। इस आग की खबर तुरंत दमकल विभाग को दी गई, क्योंकि जिस जगह आग लगी थी उसके आसपास कई दुकानें थी जिनमें आग के फैलने का डर था। मौके पर पहुंचते ही दमकल विभाग के लोग आग को बुझाने में जुट गए और पानी की तेज धारा से कुछ ही देर में आग को बुझा दिया। आग बुझते ही आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। कंगना रनौत और राजकुमार राव की फिल्म जजमेंटल है क्या अब एक नए विवाद में फंस गई। एक विदेशी फोटोग्राफर ने फिल्म के एक पोस्टर पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि फिल्म का पोस्टर उनके आइडिया को चुरा कर बनाया गया है। हंगरी की फोटोग्राफर और विजुअल आर्टिस्ट फ्लोरा बोर्सी ने फेसबुक पर राजकुमार राव की एक पोस्ट शेयर करते हुए फिल्म के पोस्टर के साथ एक तस्वीर लगाते हुए उसे अपना काम बताया। इसके साथ ही फ्लोरा ने आरोप लगाया कि फिल्म के प्रोड्यूसर ने बिना उनकी मंजूरी लिए उनके काम को चुराया। कंगना की फिल्म के पोस्टर पर चोरी का आरोप लगते ही सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने फिल्म जजमेंटल है क्या की टीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक आदमी ने एकता कपूर और कंगना को टैग करते हुए इसे शर्मनाक बताया। कुछ लोगों ने तो हंगरी की फोटोग्राफर फ्लोरा को फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी सलाह दे डाली। गुजरात के वडोदरा में कुछ घंटे की बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। सड़कों पर पानी भरने से कई गाड़ियां खराब हो गई, जबकि शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। हालात इतने बिगड़ गए कि घरों से बाहर निकले लोग सड़कों में ही फंस गए। सड़कों पर पानी भरने से जो जहां था वो वहीं रुककर बारिश के थमने का इंतजार करने लगा, लेकिन बारिश कम होने के बजाय और बढ़ गई, जिसके बाद लोग भीगते हुए ही सड़कों से गुजरने को मजबूर हो गए। कई इलाकों में तो पानी इतना भर गया कि सड़कों के किनारे बनी दुकानों के अंदर चला गया। यहाँ जो अंडर ब्रिज है वो वाहन व्यवहार के लिए, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और हम लोग अभी देखिए जो सयाजीगंज के यहाँ मुख्य मार्ग पर उपस्थित है, रास्ते में पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोग जो है वो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वडोदरा में कई सड़कों पर तो इतना पानी भर गया कि सड़क झील जैसी लगने लगी, जिसकी वजह से वाहन से गुजरने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जबकि एक अंडरपास पानी से ऊपर तक भर गया, जिसके बाद उसे ट्रैफिक के लिए ही बंद करना पड़ा। यह हाल सिर्फ एक इलाके का नहीं था, बल्कि पूरे वडोदरा शहर में हर तरफ जोरदार बारिश से लोग हैरान थे। यही वजह है कि शहर के हर हिस्से में लोग बारिश में भीगते हुए दिखाई दिए। जबकि वडोदरा शहर के पास ही एक बरसाती नाले के उफान पर आने से सड़क पर ट्रैफिक रोकना पड़ा, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने कुछ छोटे बच्चों को सड़क पार करवाने के लिए एक रस्सी को बरसाती नाले के दोनों छोर पर बांधा और छोटे बच्चों को कंधे पर बिठाकर सड़क पार करने लगे। बरसाती नाले से बह रहे पानी का बहाव इतना तेज था कि एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती, लेकिन लोगों ने बिना परवाह किए एक एक करके सभी बच्चों को सड़क के दूसरी तरफ पहुंचा दिया। वडोदरा के सयाजीगंज इलाके में तो बारिश की वजह से मुसीबत और बढ़ गई, क्योंकि वहां एक चौराहे पर इतना पानी भर गया कि वहां से गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया और सड़क पर मौजूद कई गाड़ियां पानी में फंस गई। हालात बिगड़ते देख प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी अधिकारियों के साथ एक बैठक कर हालात के बारे में जानकारी ली और लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। मैंने अनुरोध किया है कि ये जो रिवर की बैंक और उस पर बसने वाले सभी लोगों को शिफ्ट होने के लिए अपील की है। एक बार से फिर शुरू हुई बारिश ने बिहार की मुश्किल बढ़ा दी। कुदरत की मार झेल रहे नेपाल में पिछले महीने से बाढ़ से हालात खराब हैं और लोगों को अब भी किसी राहत की उम्मीद नहीं दिख रही, क्योंकि नेपाल में आफत की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिससे वहां हालात एक बार फिर बिगड़ने लगे हैं और इससे बिहार की भी मुसीबत बढ़ने लगी। नेपाल के सप्तरी जिले में तो भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में फिर से पानी कमर से ऊपर तक चला गया।
नदियां उफान पर बहने लगी। एक इलाके में तो दो लोग सैलाब के भंवर में फंस गए, जिनमें एक ने तैरकर अपनी जान बचाई और दूसरे ने भी उसकी मदद की। जो लोग पानी कम होने के बाद अपने घर लौट आए थे, उन पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। भारी बारिश के बाद नदियों का गुस्सा बढ़ने से वो एक बार फिर अपने ही घर और गाँव से पराए हो गए। बारिश की वजह से बांधों का जलस्तर भी खतरनाक हो गया, जिससे बिहार में एक बार फिर बाढ़ का संकट बढ़ गया। क्योंकि नेपाल में अगर इसी तरह बादल बरसते रहे तो उसे पानी बिहार में छोड़ना होगा, और अगर ऐसा हुआ तो बिहार के कई जिलों में हालात फिर से भयानक हो जाएंगे। गुजरात के अहमदाबाद में कुछ ही घंटों की बारिश ने प्रशासन के सभी इंतजामों की पोल खोल दी। बारिश की वजह से शहर की कई सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां से गुजर रही गाड़ियां और स्कूटर सवार लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अहमदाबाद में लगातार बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं वेजलपुर की तस्वीरें, यहाँ पर घुटनों तक पानी आ गया है। ये वेजलपुर का निचला इलाका है जहाँ पर ये हर बार पानी भर जाता है। सड़कों पर पानी भरने से खरीदारी के लिए बाजार में पहुँचे लोगों को भी खासी दिक्कत हुई। तो तकलीफ हो रही है यहाँ पर अभी। बोला, भरा है, हर बार होता है ये है। हर साल ऐसा होता है। हालांकि सड़क पर पानी भरने के बाद भी बारिश होने से कई लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। बारिश तो चाहिए थी ना, आनी चाहिए बारिश, ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं है बारिश के सामने। गुजरात के ही कच्छ और जूनागढ़ में भी भारी बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर आ गए और कई इलाकों में पानी भर गया। ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में पैसों के घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की, जिसके लिए फारूक अब्दुल्ला सुबह सुबह चंडीगढ़ के ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की गई। फारूक अब्दुल्ला के साथ उनके वकील भी ईडी दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से चंडीगढ़ के ईडी दफ्तर में करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई है। बताया जा रहा है कि उनसे करीब 100 से ज्यादा सवाल थे जिनको लेकर ईडी ने पूछताछ की है। पूछताछ के बाद जब फारूक अब्दुल्ला बाहर निकले तो वो हड़बड़ी में नजर आए और बिना किसी से बात किए सीधा अपनी गाड़ी में बैठे और ईडी दफ्तर से बाहर निकल गए। आरोप है कि फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल के दौरान बीसीसीआई की तरफ से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को दिया गया पैसा फर्जी अकाउंट में डाइवर्ट कर दिया गया। श्रीनगर में हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। श्रीनगर के मशहूर लाल चौक की सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है, जिससे वहां के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस वक्त हम लाल चौक श्रीनगर में है, जो जम्मू कश्मीर का दिल कहलाया जाता है, लेकिन इस वक्त 1 घंटे के बारिश के बाद पानी ही पानी हर तरफ से लाल चौक में यहाँ पे जमा हुआ है और लगातार जो है इस एरिया में वाटर लॉगिंग होती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से होटल्स में लोग जो है बंद पड़े हुए हैं और वहाँ आप देख सकते हैं और लोग काफ़ी परेशानी में आ गए हैं क्योंकि दुकानों के अंदर भी अभी पानी चला गया है। बताइए कितने मुश्किल है यहाँ पे अभी। बहुत सारा मुश्किल हो रहा है, बच्चों को स्कूल लेके जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट इसके बारे में सोचना चाहिए। 1 घंटे की बारिश और पूरा लाल चौक डूब गया, ये इनकी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ दिखती है कैसी है। हमारी दुकानों के अंदर पानी चला गया और काफी नुकसान, कल रात मेरा माल आया हुआ था, नीचे रखा हुआ था, सब चला गया पानी में और कोई इंश्योर नहीं है। सोचते हैं कि क्या मुसीबत है। कौशिक, पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ हैं, ये भी अभी यहाँ पे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन का रोल बनता था कि वो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करे। कैमरामैन शफी के साथ रिफत अब्दुल्ला, News18 India, लाल चौक श्रीनगर। आतंकी संगठन अलकायदा के चीफ रहे ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन के मारे जाने की खबर है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया कि हमजा बिन लादेन को मारने में अमेरिका का हाथ है, हालांकि उसकी मौत कब और कहां हुई इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन दावा किया गया कि अमेरिका की पिछले 2 साल में की गई कार्रवाई के समय हमजा बिन लादेन मारा गया। अमेरिका ने इसी साल हमजा बिन लादेन का पता बताने वाले को $10,00,000 इनाम देने का ऐलान किया था। पिछले कई सालों से उसके ठिकानों की तलाश में जुटा हुआ था। दिल्ली में होने वाली पार्टियों में शराब परोसने से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी में होने वाली किसी भी पार्टी में अब खाने पीने की सप्लाई करने वाले केटरर शराब नहीं परोस सकेंगे। बताया गया कि अब केटरर की बजाय पार्टी के आयोजकों को ही शराब परोसने के लिए टेम्पररी लाइसेंस लेना होगा। अभी तक केटरर और रेस्टोरेंट शराब परोसने के लिए टेम्पररी लाइसेंस लेते थे, जिससे उनको अच्छी खासी कमाई होती थी, लेकिन सरकार को ज़्यादा फायदा नहीं होता था। यही नहीं, पार्टी आयोजित करवाने वाले फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल या दूसरी जगहों को भी आबकारी विभाग से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी वहां शराब परोसने की इजाज़त मिल पाएगी। दिल्ली सरकार की दलील है कि इन फैसलों से राजस्व में बढ़ोतरी के साथ शराब की अवैध बिक्री पर भी रोक लगेगी।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में मेडिकल के सैकड़ों छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। एनएमसी बिल के खिलाफ मेडिकल के ये छात्र एक दिन की हड़ताल पर थे और अपने कॉलेज के सामने खड़े होकर इस बिल के विरोध में नारेबाजी करने लगे। इस बीच छात्रों ने एक बड़ा बैनर पकड़ रखा था जिस पर एनएमसी बिल को लागू न करने की अपील की गई थी। इसके अलावा छात्रों के हाथों में कई पोस्टर भी नजर आए। उन्होंने शहर में जुलूस भी निकाला, साथ ही दावा किया कि इस बिल से देश की स्वास्थ्य सेवा पर बुरा असर पड़ेगा। झोला छाप, आयुर्वेद और बाकी ऐसे डॉक्टरों के हाथ में देश का स्वास्थ्य रखना खतरे से खाली नहीं है। एनएमसी बिल लोकसभा से पास हो चुका है और अब सरकार इसे राज्यसभा में पेश करने की तैयारी में है। राजस्थान के अलवर में गायों की तस्करी करने के एक आरोपी को गांव के लोगों ने बुरी तरह पीटा। आरोपियों ने बचने की कोशिश के लिए गांव वालों पर गोलियां भी चलाई, लेकिन गोलियों की आवाज सुनते ही गांव के लोग इकट्ठा हो गए। गायों को लेकर जा रहे लड़कों में एक सलीम गांव वालों के हाथ लग गया। गांव वालों ने उसे पीटा और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में पुलिस के बड़े अफसर लगातार पहुंच रहे हैं। इसी अस्पताल में गांव का वो शख्स भी है जिसे आरोपी की गोली लगी और इसी अस्पताल में भीड़ के हत्थे चढ़ा सलीम भी भर्ती। सलीम के साथ राजस्थान पुलिस के जवान भी जो उस पर हर पल नजर रख रहे हैं। न्यूज 18 ने अस्पताल पहुंचकर घायल सलीम से बात की। सलीम ने माना कि वो गायों को गांव से ले जा रहा था। कितनी गायें थी आपके पास में? 12-13। कितने लोग थे आप? 3। हुआ क्या फिर? ले जा रहे हैं गांव के लड़का हाथ पीछे पड़ गए। सलीम ने ये भी माना कि उसके साथियों ने गांव वालों पर गोली चलाई। गांव वाला भी एक घायल हुआ, वो गोली किसने चलाई? जैकम। आप में से जो 3 में से एक था इसने चलाई, आपने नहीं चलाई? गोली क्यों चलाई? पल फेर करो जस हमार पीछे ना भगे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और सलीम के साथियों की तलाश में लगी है। लेकिन घटना के बाद पूरे अलवर जिले में हड़कंप मच गया। अलवर के पहाड़ी गांव में इससे पहले गायों की तस्वीरी का कोई मामला सामने नहीं आया था, इसलिए गांव वाले भी कई गायों को ले जा रहे लोगों को देखकर हैरान रह गए। दावा किया जा रहा है कि महज पूछताछ करने पर गाय ले जा रहे लड़कों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। पूछा पहले तो कि तुम क्यों ले जा रहे हो, कहां ले जा रहे हो, तो उन्होंने हमारी तरफ फायर किया। तो हमने उनको पीछा किया, तो पीछा करने के बाद उन्होंने हमारी तरफ 15-20 फायर किए, तो फिर हमने वो पकड़ लिए। डॉक्टर दावा कर रहे हैं कि आरोपी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। पेशेंट है, उसके सर पे चोट है जिसकी वजह से थोड़ा सा वो सेमी कॉन्शियस है। छाती पे चोट है, 2-3 जगह छाती पे मारे हैं, बाकी हाथ पैर में सब ठीक है उसके। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आरोपियों के गोली चलाने की बात पुलिस भी मान रही है। उन्होंने टोकाटाकी की, रोकने का प्रयास किया, उस दरमियान फायर हुआ, उस फायर में गनशॉट वुंड लगा है। आरोपियों ने जिस शख्स पर गोली चलाई उसकी भी जान खतरे से बाहर बताई जा रही है। उत्तर रेलवे ने 15 अगस्त से पहले रेलवे स्टेशनों पर मौजूद भिखारियों को हटाने की एक योजना बनाई। उत्तर रेलवे ने बताया कि दिल्ली एनसीआर के 180 रेलवे स्टेशनों को 15 अगस्त से पहले भिखारी मुक्त कर दिया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने एक एनजीओ की मदद ली है जो इन भिखारियों के रहने का इंतजाम कर रहा है। साथ ही रेलवे स्टेशन से हटाए जाने वाले भिखारियों को रोजगार दिलाने के लिए उनको छोटे मोटे काम भी सिखाए जा रहे हैं। उत्तर रेलवे के मुताबिक अब तक 60 से ज्यादा भिखारियों को स्टेशनों से हटाया जा चुका है। बताया गया कि दिन में भीख मांगने वाले और रात में प्लेटफॉर्म पर सोने वाले इन भिखारियों की वजह से रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में मुश्किल होती है। इसीलिए रेलवे ने स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भिखारियों को हटाने का फैसला लिया। बिहार के सीतामढ़ी में बाघों